वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरविंदर होम्स पर। दोस्तों, अगर आप घर देख रहे हैं अपने लिए जो कि डिज़ाइनर हो, एक अच्छे डिज़ाइन के साथ हो, एक बजट के अंदर, और इसके अलावा एक अच्छे अप्रोच के साथ आपको मिल जाए सोसाइटी के अंदर है, तो वीडियो जो है आपकी वो खास आपके लिए होने वाली है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप नए हैं चैनल पर या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ऐसी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो आज की शुरू करते हैं। तो दोस्तों, घर का सफ़र जो है हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। आपके गेटेड और सिक्योर सोसाइटी के अंदर आपका घर आज को मिलने वाला है, और फ्रंट काफ़ी अच्छा रहेगा, सारा का सारा टाइल्स के साथ कवर किया गया, एक मॉडर्न डिज़ाइन के साथ आपको घर यहाँ पर मिल जाता है। और हमारा जो कॉरिडोर रहेगा, यहाँ पर लेफ्ट और राइट आपको दो ही घर मिलने वाले हैं, और इसके साथ आपको जो है स्टेयरकेस आपको मिल जाएगा, जो कि आयरन की रेलिंग रहेगी, उसके अलावा ग्रेनाइट की आपकी स्टेयर्स रहेंगी। तो दोस्तों, जो घर हमारा रहेगा आज 147 गज के अंदर मिलने वाला है, और ये स्मार्ट होम आपका रहेगा आज का। मेन डोर जो रहेगा हमारा, जो फ्लश डोर रहेगा, इसके साथ ऊपर हमें रोशनदान की जो है प्रोविज़न वो भी मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है, लाइट पूरे घर के अंदर रहेगी। और इसके अलावा जो हमारा मेन एंट्रेंस डोर है वुडन रहेगा, और डबल लॉक हमें मिल जाता है, एक नीचे की वाला है, और विदाउट की हमारे पास जो है डिजिटल डोर लॉक मिल जाएगा, जो कि आप नंबर से भी कर सकते हैं और बायोमेट्रिक भी रहेगा। और जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास हमारा जो है एक शानदार सा ड्राइंग और डाइनिंग, जो कि एल शेप के अंदर है, वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। 20x18 का साइज़ जो है हमारे पास यहाँ पर ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के अंदर मिलने वाला है, और काफ़ी अच्छा साइज़ है। आप यहाँ से ही देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जिस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है, वाकई काफ़ी अच्छा आर्किटेक्ट लुक है इसकी, या आर्किटेक्ट डिज़ाइन मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि स्पेस जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी गई है। 147 गज को अगर अच्छे तरीके से अगर डिज़ाइन करना है आपने अपने घर को भी, तो इस वीडियो को पूरा देखें, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अपने घर को भी अगर डिज़ाइन करना है तो किस तरीके से कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने डेमो घर के अंदर हम बिल्कुल आपको करके दिखा देते हैं। तो जैसे आपको सीलिंग डिज़ाइन है पूरा नज़र आ रहा है, पूरे घर के अंदर सीलिंग डिज़ाइन आपको रहेगा, यहाँ पर चमचमाती लाइट्स आपको नीचे भी नज़र आएंगी, फ्लोरिंग के ऊपर प्रॉपर हमने आपके सामने यहाँ पर सोफ़ा सेट रखा हुआ है। उसके बाद भी अगर आप मैं दिखाऊं आपको, तो स्पेस यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए काफ़ी अच्छी है, मूवमेंट कहीं पर भी रहेगी आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली यहाँ पर, क्योंकि इस घर को डिज़ाइन करते हुए इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखा गया है कि स्पेस जो है वो कहीं पर भी आपकी कम ना हो। ठीक इस तरफ आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। एल शेप में होने का फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी रूम से आते जाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और स्पेस आपकी जो रहेगी वो उतनी ही है, लेकिन एक अच्छे तरीके से उसका डिज़ाइन हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी अच्छी स्पेस है, जबकि जो डाइनिंग टेबल हमने रखा हुआ है ये प्रीमियम क्वालिटी का है। बहुत कम होता है कि ऐसा हमारे घरों में हो, यूजली हम जो रखते हैं वो टीक वुड चाहे हम रख दें तो उस पर कुशन नहीं होता हमारी सीट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है हमारा वाला, ये वाला डाइनिंग टेबल। तो इवन देन आपको स्पेस जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो सीलिंग डिज़ाइन मैंने जैसे कहा था पूरे घर के अंदर आपको मिलने वाला है, काफ़ी बड़ी सीलिंग है, आप देख सकते हैं। इतनी बड़ी सीलिंग का मतलब ये होता है कि इतना बीम बहुत ज़्यादा डले हैं, ज़्यादा बीम डलने का मतलब ये होता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो वाकई काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर बुद्ध के पीछे जो आप ये पैनल आप देख रहे हैं, इसको हमने एक पार्टीशन के हिसाब से यहाँ पर डिज़ाइन किया है, ये पूरा का पूरा ये वॉल नहीं होगी, लेकिन ये पार्टीशन हिसाब से हमने बनाई है ताकि आपके जो घर की लुक्स हैं वो बेहतर से और बेहतरीन हो सकें। और इसके साथ हमारे पास किचन जो कि यहाँ पर आपको मिलने वाली है 12 फीट बाय 11 फीट की, एक काफ़ी अच्छा खासा किचन का साइज़ आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट एक रूम साइज़ जितना हम कहते हैं एग्जैक्टली उतना ही साइज़ आपको यहाँ पर किचन में मिलता है। और एग्जैक्टली आप देखेंगे यू शेप के अंदर आपको किचन यहाँ पर मिल रही है, प्रॉपर एक मॉडुलर किचन और यू शेप के अंदर, वो भी इतने साइज़ की मिल जाए तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है यहाँ पर। और जो आप ये फाइबर की तरफ से चिमनी देख रहे हैं ये हम आपको एज इट इज़ देने वाले हैं। इसके अलावा ग्लॉसी लुक के अंदर आपको सारे के सारे कैबिनेट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, डुअल टोन के अंदर हाइड्रोलिक्स आपको यहाँ मिलेंगे, और डबल लेमिनेशन आपकी रहेगी अंदर बाहर, ताकि आपकी जो प्लाईवुड है वो ज़्यादा से ज़्यादा चले, और जितना मर्ज़ी आप इसके अंदर सामान रख लें यहाँ पर आपको कमी नहीं होने वाली, क्योंकि जो हमने ड्रॉर्स डिज़ाइन भी किए हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं यहाँ पर। और अगर आप ये टाइल का साइज़ देखेंगे तो बिल्कुल 5 फीट की है, यूजली 2x2 की लगती है, 2x4 की लगती है, लेकिन 5 फीट के जो टाइल्स होते हैं वो काफ़ी ड्यूरेबल होती है, काफ़ी कॉस्टली भी होती है, लेकिन वो चीज़ हमने यहाँ पर लगाई है, प्रीमियम चीज़ जो आपको बजट के अंदर मिल रही है। डबल सिंक, रोटेशनल टैप्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, और अच्छी क्वालिटी जो है वो एग्जैक्टली आपको हर जगह मिलती है, कोई आवाज़ नहीं है इसके अंदर। वो ठीक सामने आपके जो है यहाँ पर खिड़की आपको मिल जाती है, ताकि जो अगर आपके घर के बाहर कोई बेल लगाता भी है तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन आया है।
और आप देखेंगे यहाँ पर भी आपके पास जो है कैबिनेट्स है जहाँ पर आप अपने यूटेंसिल्स धोकर अगर रखेंगे तो सारा पानी यहाँ पर आ जाएगा। तो स्पेस को एक अच्छे तरीके से यहाँ पर मैनेज किया गया। आप देखिए यहाँ जो स्पेस है, आप वहाँ से घूमकर इस तरफ आते तो स्पेस ही स्पेस है, और यहाँ से मैं ड्रॉर खोलूँगा तो ऑर्गेनाइज़र आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। एक और काफ़ी अच्छा मटेरियल, आप देखें, आप माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा बहुत सामान हमने यहाँ पर रखा है, लेकिन आप ड्रॉर्स को देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े ड्रॉर्स आपको यहाँ मिलेंगे। जितना मर्ज़ी आप सामान यहाँ पर रखें तो बिना चिंता के आपका जो स्टोरेज है वो पूरी की पूरी अंदर ही रहने वाली है, कोई चीज़ यहाँ पर बाहर नहीं रहेगी। क्वार्ट्ज स्टोन आपको जो है यहाँ पर काउंटर पे मिलने वाला है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, नॉर्मल जो होता है ग्रेनाइट से थोड़ा अलग लुक्स होती हैं इसकी। यहाँ देखिए तीन लोग आराम से यहाँ पर कुकिंग, चॉपिंग और वॉशिंग तीनों कर सकते हैं, और इसके बाद आपका जो है फ्रिज वो भी यहाँ पर आ सकता है। तो काफ़ी अच्छी स्पेस है, एक अच्छा तरीका है मैनेज करने का। किचन बड़ी हो तो खाना बनाने का भी मज़ा लगा था, और बिल्कुल आपके डाइनिंग के सामने। दोस्तों ड्राइंग, डाइनिंग और किचन के बाद हम बढ़ते हैं अब अपने गेस्ट बेडरूम की तरफ, जो कि बिल्कुल सामने की तरफ है, और काफ़ी अच्छा साइज़ हमें यहाँ पर गेस्ट बेडरूम का मिल जाएगा, बिल्कुल 12x11 का साइज़ मिलेगा। और यहाँ भी जो है सीलिंग पर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिलने वाला है, प्रॉपर कंसील लैंप्स आपको यहाँ पर मिलती हैं, और आप देखेंगे कि लाइट आपके थोड़ा सा कर्टन हटाएं तो काफ़ी अच्छी लाइट आपको मिल जाती है। यहाँ पर फ्लोरिंग पर जो है आपको सारी के सारी वुडन डिज़ाइन के साथ टाइल्स मिलने वाली हैं, और स्पेस हमारे पास थी तो हमने यहाँ पर जो है साइड पर दो चेयर्स रख दी। और देखिए 11x12 के अंदर फ़ायदा किस चीज़ का, यहाँ पर हमने जो है वार्डरोब को बीच में नहीं रखा, उसको साइड पर रखा है, तो यहाँ बेड के साथ आपके पास जो स्पेस है वो चारों तीनों तरफ काफ़ी अच्छी है। तो हमने यहाँ पर स्पेस को मैनेज करने के लिए दो चेयर्स रख दी हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपने स्टडी टेबल रखना है, वर्क फ्रॉम होम है, तो वो भी इजीली कर सकते हैं। और बड़ी सी खिड़की का फ़ायदा ये होता है कि लाइट अच्छी है, पूरी घर के अंदर आती है, वेंटिलेशन है वो हर जगह से बना रहता है, और ये दरवाज़ा आपको बाहर की तरफ से भी ले जाता है। तो हम इसको कहीं ना कहीं डबल एंट्रेंस के लिए भी कह सकते हैं कि अगर आपको एक थोड़ा सा एरिया जो है रेंट आउट करना है तो आप कर सकते हैं एक रूम को। और इसके साथ यहाँ पर हमारी वार्डरोब ड्रेसिंग एरिया हमने अलग कर दिया, सीलिंग की हाइट तक वार्डरोब आपको मिलेगी, ये भी प्रॉपर आपकी जो होगी डबल लैमिनेट होगी, अच्छा डिज़ाइन का हैंडल आपको मिल जाएगा, और अंदर जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि हमने डेमो के अंदर काफ़ी सामान अभी रखा हुआ है क्योंकि काम अभी चल रहा है हमारा। और इसके साथ जो वॉशरूम रहेगा वो आपको अटैच मिलने वाला है, और ये भी एक प्रीमियम क्वालिटी का एक अच्छा वॉशरूम आपको मिल जाता है। आप देखेंगे टाइल्स की जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, जो डिसेंट से कलर्स हैं, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि ओवर कोई काम किया हो, बिल्कुल चुभता हो आँखों में कोई कलर, बिल्कुल भी नहीं। जितनी भी चीज़ें आपको देखेंगी यहाँ पर क्वालिटी वर्क आपको पूरा मिलने वाला है, और एक वारंटी के साथ जो चीज़ें होती हैं ना वैसी चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। तो लेने के बाद या लेते हुए हमें ना सोचना नहीं पड़ता कि यहाँ चीज़ जो थी हमने वो कैसी है, लें ना लें, सोचें या ना सोचें, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ, और एरिया जो हमारा ये जीरकपुर के अंदर रहेगा, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी आपकी एयरपोर्ट रोड से भी और पटियाला हाईवे से भी। और ठीक यहाँ पर हमारा सेकंड बेडरूम जो कि 13.5x10 का रहेगा, और स्पेस आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने तीनों तरफ जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छी रखी है आपके लिए। बेड लगाने के बाद आप किसी भी तरफ से मूवमेंट करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर आपके जो है डबल चार्ज बैटिफाइड टाइल्स आपको पूरे घर के अंदर यहाँ पर मिलने वाली हैं, सीलिंग पर अच्छा डिज़ाइन है, ये एग्जैक्टली आपको ऐसे ही पूरे घर के अंदर मिलने वाला है, चाहे वो डेमो घर हो या फिर वो रियल हो, सेम ही रहेगा आपका विदाउट फर्नीचर बस। और यहाँ से हम आपके जो वार्डरोब है वो बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक स्लाइडर्स आपको यहाँ पर लगे हुए मिलेंगे, और सामान हमारा आपको हर जगह मिलेगा। इसका मतलब ये भी है कि हमने काम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर किया है कि जो मर्जी सामान आप रखिए। दोस्तों क्वालिटी देना एक अलग बात होती है, वो एग्जैक्टली यहाँ पर आपको पूरी मिलती है, क्योंकि घर जब आप ले रहे हो एक बार ले रहे हो तो उसमें अगर क्वालिटी पूरी मिल जाए तो बात अलग रहती है। तो यहाँ पर आपके पास खिड़की, और यहाँ भी आप इजीली अपना स्टडी टेबल लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं तो स्पेस आपको यहाँ पूरी मिल जाएगी। और लोकेशन दोस्तों एक ऐसी है जहाँ पर आपको स्कूल्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे आसपास, मार्केट आपको यहाँ पूरी प्रॉपर मिल जाएगी, VIP एरिया मैं इसको कह सकता हूँ, बिल्कुल पास में ही आपका, और कनेक्टिविटी दोनों तरफ से आपकी यहाँ पर। अगर आप पटियाला हाईवे से यहाँ पर आते हैं तो आपको इजीली सिर्फ 300 मीटर का शायद रास्ता रहेगा यहाँ पर, पटियाला हाईवे से या एयरपोर्ट रोड से भी आपका बिल्कुल आसपास ही रहता है सारा कुछ। और इसके अलावा अगर आप चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे से आ रहे हैं तो आपको अराउंड जो है ये 1 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो यहाँ से आपका जो IT पार्क है, चाहे वो चंडीगढ़ का हो या मोहाली का हो,
दोनों ही आरटी पार्क वो विद इन 10-15 मिनट्स के अंदर आप आराम से पहुंच सकते हैं अपने व्हीकल से। और इसके अलावा अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी इतने ही है, कोई ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता। स्कूल्स आपको आसपास मिल जाते हैं, मार्केट आपको आसपास मिल जाती है, मंदिर आपको मिल जाता है, गुरुद्वारा साहब आपको मिल जाता है, तो हॉस्पिटल्स आपको मिल जाते हैं, तो हर चीज़ आपके आसपास है। सोसाइटी आपकी गेटेड रहेगी, अंदर ही आपको छोटा सा गार्डन मिल जाएगा इजीली मूवमेंट्स के लिए। और इसके साथ हमारा जो रहेगा यहाँ पर थर्ड बेडरूम जो कि 13.5x10 का अगेन हमें यहाँ पर मिलने वाला है। ये तीनों बेडरूम्स के जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। इन साइज़ का मतलब ये होता है कि आप घर को सिर्फ आप बेड नहीं रखेंगे यहाँ पर, अगर एक आध चीज़ और रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, या फिर जैसे आप अपने स्पेस को मैनेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपने जैसे देखा हमने ड्राइंग एरिया के अंदर ही हमने 20 फुट की वो स्पेस रखी हुई है, तो काफ़ी अच्छी स्पेस है। एक तरफ 20 फुट और दूसरी तरफ 18 फुट है, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो वहाँ पर अगर आपको लगता है कि हमने कुछ और भी करना तो वो भी आप कर सकते हो, तो डिज़ाइन के हिसाब से होता है, लेकिन हमने उसको थोड़ी स्पेस खुली रखने के लिए सिर्फ एल शेप के अंदर ड्राइंग और डाइनिंग ही बनाया है उसको। तो ये हमारी क्रिएटिविटी भी होती है कि हम उसके अंदर क्या कुछ रखना पड़ता चाहते हैं, हमारे पास कितना सामान है। और आपके जितने भी ये स्विचेस होंगे ये हर बेडरूम के अंदर आपको मिलने वाले हैं, आपके स्मार्ट स्विचेस जो कि मोबाइल से ऑपरेट हो सकते हैं। आपको एक ऐप मिल जाएगी, अलेक्सा इनबिल्ट रहेगी, आप कैसे भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से। घर आने से पहले आप अपने जो एसी हैं या अपने रूम को वो ठंडा कर सकते हैं, या कोई भी लाइट है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो एक अच्छा फ़ायदा होता है कि अगर आप घर पे नहीं भी हैं तो रात को अपने फ़ोन से ही आप कहीं दूर से अपने लाइट्स को ऑन कर देते हैं कुछ देर के लिए, फिर बंद भी करते हैं, तो इससे किसी को आइडिया भी नहीं होता कि कोई घर में है या नहीं है। और वैसे भी एक गेटेड सोसाइटी है तो यहाँ पर कभी फिक्र करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी क्लीन है ग्राउंड आपका, क्योंकि वॉल हैंगिंग है सारा कुछ, तो यहाँ पर जो स्पेस है तो काफ़ी अच्छी मैनेज हो जाती है। और जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे एक अच्छे डिज़ाइन के साथ आप देखेंगे, और ड्यूल टोन के अंदर सारे आपको वॉशरूम्स यहाँ पर मिलते हैं एक अच्छे डिज़ाइन और एक अच्छी क्रिएटिविटी के साथ। और इसके साथ जो है हमारे पास विंडो यहाँ पर मिलेगी, जहाँ से हम पीछे हमारे वॉशिंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं, तो काफ़ी अच्छी स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाती है। इजीली वॉशिंग और क्लोथिंग दोनों हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और ये एरिया जहाँ पर आपके जो है एसीज वगैरह भी लगेंगे, तो लोकेशन सबसे ज़्यादा अच्छी होती है वो यहाँ पर आपको पूरी मिलती है, सिक्योरिटी आपको पूरी मिलती है, आसपास जो एमिनिटीज़ हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो सारी मिल जाती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आपने कहीं ऑफिस आना है या घर जाना है तो आप चंद पलों में आप अपनी हाईवे से जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों आपका प्यार हमें बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम भी आने वाले टाइम में और बहुत डालने वाले हैं। तो इजाज़त लेंगे इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सत श्री अकाल।